हेलो मेरे प्यारे लवली फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मथुरा के पेड़े। मथुरा के पेड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनको बनाना बहुत इजी है। आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ, तो मैं मथुरा की रहने वाली होकर भी मैं आपके साथ मथुरा के पेड़े शेयर ना करूँ ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई मथुरा के पेड़ों की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं ये और ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। बहुत दूर दूर के लोग मथुरा के पेड़ों को मंगाते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मथुरा के पेड़े कैसे बनते हैं। मथुरा के पेड़े बनाने के लिए ये हमने 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, ये हमने 200 ग्राम मावा लिया है, ये होममेड मावा है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 200 ग्राम तगार लिया है, आप इसकी जगह पे बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पेड़े बनाने की तरफ चलते हैं। पेड़े बनाने के लिए हमने कढ़ाई रख दी है, 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये मावा डाल देंगे। मावा को थोड़ा सा तोड़ कर डाल देंगे। मावा को हमने थोड़ा तोड़ कर डाल दिया है, अब मावा को हम लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। हमें मावा को जब तक भूनना है जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि मथुरा के पेड़े एकदम डार्क ब्राउन होते हैं। आपने कभी मथुरा के पेड़े खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि मथुरा के पेड़े डार्क ब्राउन होते हैं, इसलिए हम मावा को लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। मावा भूनते समय आप घी का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि घर के बने हुए मावा में पहले से ही घी बहुत होता है। इसे हम धीमी आंच पर लगातार भूनते रहेंगे। मावा को धीमी आंच पर भूनने से पेड़े बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हो मावा हमारा एकदम डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और मावा को निकाल लेते हैं। मावा को हमने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं मावा हमारा कितनी अच्छी तरह से भुना है। अब इसमें हम ये तगार डाल देंगे। पहले हम थोड़ा सा तगार डालेंगे और इसको हाथ से अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये हमारा तगार खोआ में अच्छे से मिक्स हो गया है, आप इस तरह से बाइंड करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा पेड़ा बन रहा है, आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बाइंड ना हो और आपका पेड़ा ना बने तो आप इसमें 2 चम्मच घी डालकर इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तगार और डाल देंगे, मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें घी, मिक्स कर देंगे। ये हमारा तगार अच्छे से मिक्स हो गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं हमारा ये मिक्सर अच्छे से बाइंड होने लगा है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब हाथ को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और अब थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसका हम गोल गोल पेड़ा बनाएंगे। पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। ध्यान रखें पेड़ा बनाते समय कि मिक्सर हमारा हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर आपका मिक्सर गर्म ना हो तो आप इसे हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद पेड़े बनाएं। हथेलियों के बीच में इसको घुमाते हुए इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, और ये जो हमने तगार बचाया था तगार में इसकी कोटिंग कर देंगे। ये हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा होगा मथुरा के पेड़े हल्के से इस तरह से होते हैं, वो एकदम से गोल नहीं होते,
तो ये हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बनाएंगे। फिर से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे हाथ में, इस तरह से इसको गोल गोल हथेलियों के बीच में इसको घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। यह हमने इसको हथेलियों के बीच में घुमाते हुए इसको एकदम चिकना कर लिया है। हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, हमें बस हल्का सा इसको प्रेस करना है। तगार में इसकी कोटिंग कर देंगे। ये हमारा दूसरा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है, इसको भी रख देंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसकी पिस्ता से थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप गार्निशिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप पेड़ों को ऐसे भी खा सकते हैं। मैं इनकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आप गार्निशिंग किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। ये हमने सारे पेड़ों की गार्निशिंग कर दी है। ये हमारे मथुरा के फेमस पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और इनको बनाना भी बहुत ईजी है। मथुरा के पेड़े बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अगर आपको मेरे मथुरा के पेड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।